हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के पहले का एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 29। ये क्वेश्चन रेज किया गया एक स्टूडेंट के थ्रू जिसका नाम है कनिका साहू। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है प्रूव दैट 4 ऑफ 10 इनवर्स 1/5 माइनस 10 इनवर्स ऑफ 1/239 इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। ओके, तो क्योंकि हमको इसको प्रूव करना है एंड एलएचएस पार्ट हमको दिख रहा है कि उसमें ज्यादा टर्म्स है, तो हम सिंपली एलएचएस पार्ट लेके सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस में क्या है, दैट इज 410 इनवर्स 1/5 माइनस 10 इनवर्स ऑफ 1/239। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो 4 है उसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं। ओके, बिकॉज 2 × 2 इज 4, तो हम लिखेंगे 2 × 2 एंड देन जो रेस्ट ऑफ द चीज है उसको एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, हमको फॉर्मूला पता है कि 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, दैट इज 10 इनवर्स 2 × x अपॉन 1 − x². तो यहाँ पे वो अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट 2 है वो एज इट इज रहेगा एंड ये हो जाएगा सिंपली 10 इनवर्स 2 × 1/5 अपॉन 1 − 1/5 का होल स्क्वायर एंड माइनस ये वाला पार्ट जो है वो एज इट इज रहेगा। ओके, अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 होल अपॉन 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 माइनस 1/25। ओके, बाकी सारे टर्म्स जो है वो एज इट इज रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अब सिंपली इसको सॉल्व करके इसको ऊपर लेके जाएंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 210 इनवर्स 2/5 इंटू 25 अपॉन दैट इज 24। ओके, एंड बाकी टर्म्स एज इट इज रहेगी, तो यहाँ से 2 से 24 कैंसिल होगा तो हमारे पास मिल जाएगा 12 अपॉन में, एंड 5 से 25 कैंसिल होगा तो हमको मिल जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 210 इनवर्स 5 अपॉन 12 माइनस 10 इनवर्स ऑफ 1/239। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली, अगेन हमको 210 इनवर्स x मिल रहा है, तो जो फॉर्मूला था दैट इज 210 इनवर्स x इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 − x², तो वही अप्लाई कर देंगे अगेन इस पे, तो हो जाएगा 10 इनवर्स 2 × 5 अपॉन 12 होल अपॉन 1 − 5 अपॉन 12 का होल स्क्वायर। बाकी टर्म जो है दैट इज 10 इनवर्स 1 अपॉन 239 वो एज इट इज रहेगी। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 से 12 कैंसिल होगा तो 6 मिल जाएगा हमको, एंड 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इनवर्स 144 माइनस 25 दैट इज 119 अपॉन 144 मिल जाएगा। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 6 तो ऊपर था ही, इनटू कन्वर्ट हो जाएगा ये 144 अपॉन 119 में। ओके, एंड जो बाकी टर्म थी दैट इज 10 इनवर्स 1 अपॉन 239 वो एज इट इज रहेगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 से कैंसिल हो रहा है, तो हमको 6 से जब 144 को कैंसिल करते हैं हमको मिलता है 24। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 10 इनवर्स 5 इंटू 24 करेंगे तो हमको मिल जाएगा दैट इज 120 अपॉन 119 माइनस 10 इनवर्स 1 अपॉन 239 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है स्टूडेंट्स, आप पहले समझिए कि जनरली बाकी सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। वो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला, जो कि होता है 10 इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + x × y, राइट, यही फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करने जाते हैं, सपोज करते हैं कि हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आपको दिख रहा है कितने बड़े बड़े नंबर्स पे डील होगी, कितने बड़े बड़े हमको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा सोचने का नजरिया अलग रखना है, आपको सिंपली 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। तो क्या करना है चलिए देखते हैं। तो इसके आगे का सॉल्यूशन समझने के लिए सबसे पहले हम वापस से क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या था, दैट इज 410 इनवर्स 1/5 माइनस 10 इनवर्स 1/239 इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये हमको प्रूव करने बोला है। ओके, इस पूरे को सॉल्व करने पे हमको क्या मिला है, दैट इज 10 इनवर्स 120 अपॉन 119। तो क्या मैं इसके बदले लिख सकता हूँ क्या, 10 इनवर्स 120 अपॉन 119 एंड माइनस 10 इनवर्स 1/239 इज इक्वल टू पाई बाय 4, हमको ये प्रूव करना है, बोल सकते हैं राइट ऐसे। देन व्हाट आई विल सजेस्ट कि 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y से डील करने से अच्छा है, इतने बड़े बड़े नंबर से हम मल्टीप्लाई नहीं करें, मैं सिंपली इसको ट्रांसपोज कर दूंगा उधर, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 120 अपॉन 119 इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 एंड ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 इनवर्स 1 अपॉन 239। ये इजी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है, पाई अपॉन 4 को हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1। ओके, एंड अगर 10 इनवर्स 1 एंड इस नंबर को सॉल्व करेंगे तो हमको थोड़ा इजी जाएगा, एंड इसको सॉल्व करने पे हम इजीली ला सकते हैं 120 अपॉन 119। गेटिंग माय पॉइंट, तो इतने बड़े नंबर से आपको बचना है ऑलवेज, बिकॉज स्टूडेंट्स 12th बोर्ड क्लास है एंड आपको वहाँ पे कहीं पे भी ऐसे बड़े बड़े मल्टीप्लाई करने से बचना है, एंड क्योंकि वैसे टाइम कम होता है तो बेसिकली आपको अपना टाइम सेव करके चलना है। ओके, तो हम ये भी प्रूव करेंगे तब भी चलेगा, तो अब इसका हम RHS लेके चल रहे हैं एंड LHS ला के दिखा देंगे तो भी क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ओके, तो RHS में क्या है, दैट इज पाई अपॉन 4 प्लस 10 इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 239, तो हम पाई अपॉन 4 को लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1, ओके, प्लस 10 इनवर्स 1 अपॉन 239 एज इट इज रहेगा।
अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो कि होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस 1 अपॉन 239 होल अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 239। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 239 प्लस 1 ओके होल अपॉन 239, उसके अपॉन में क्या हो जाएगा, दैट इज 239 माइनस 1 अपॉन 239। तो यहाँ पे 239 से 239 कैंसिल हो जाएगा, हमको सिंपली मिल जाएगा 239 प्लस 1 दैट इज 240 होल अपॉन 239 माइनस 1 दैट इज 238। ओके, तो हो गया ये tan इनवर्स ऑफ 240 अपॉन 238। अब 2 से कैंसिल हो रहा है तो हमको मिल जाएगा 120 अपॉन 119। तो हमको मिल चुका है tan इनवर्स 120 अपॉन 119 जो कि LHS में रिक्वायर्ड था। तो इस तरीके से प्रूव हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।